दोस्तों, अब इन साहब को कौन नहीं जानता जो इस दौर के बहादुर व्यक्ति बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर प्लेटफॉर्म पर गिरे बच्चे को तेज़ रफ्तार ट्रेन से ना सिर्फ बचाया है बल्कि अपनी जान को भी दांव पर लगाया है। चलिए कुछ बातें जानते हैं मयूर शैल के सर के बारे में। मयूर शैल के सर मुंबई डिवीज़न में एक पॉइंट्समैन है। पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर के अंडर में काम करने वाला व्यक्ति होता है। इनका काम क्या होता है, ये ट्रैक्स को बदलने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, जिसे आपने भी ज़रूर देखा होगा, पर काम करते हैं। यदि पॉइंट्स में कोई पत्थर या दिक्कत आती है तो पॉइंट्समैन जाकर उसे ठीक करता है। शैल के भी यही काम करते हैं। पॉइंट्समैन की ड्यूटी लगभग 8 से 10 घंटे की होती है, जो कि रोटेशनल होती है, बदलती रहती है, और ज़्यादातर ड्यूटी का टाइम चेंज होता रहता है। हम सोच सकते हैं कि अगर शैल के सर की ड्यूटी का टाइम अगर वह नहीं होता जिस वक्त ये बच्चा प्लेटफॉर्म से गिरा था, तो क्या होता। शैल के सर की सैलरी, जो कि पॉइंट्समैन की सैलरी होती है, वो 20 से 25 हज़ार के बीच में होती है। शैल के सर एक नॉर्मल घर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इस बहादुरी के बाद इन साहब को अब लोग ब्रेव मैन के नाम से पुकारने लगे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री ने इन्हें ये टाइटल भी दिया है और 50,000 का ब्रेव अवार्ड भी दिया है। लेकिन मयूर शैल के ने कहा कि मैं इस अमाउंट की आधी रकम चाइल्ड्स एंड एजुकेशन में डोनेट करना चाहूँगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे सर ने भी इनकी तारीफ की है। और कमाल तो तब हो गया जब जावा मोटर बाइक ने इन्हें जावा मोटर बाइक भी गिफ्ट कर दी, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बनती है। दोस्तों, अपनी खुद की जान की फिक्र तो सब करते हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जान से ज़्यादा दूसरे की जान की फिक्र करते हैं। उनमें से एक ये सर भी है। हम सब आपको सल्यूट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।